उत्तराखंड कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है। यहाँ गांव दुर्गम और अति दुर्गम इलाकों में बसे हैं, जहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक संपदाओं की भरमार है। अब इन प्राकृतिक संपदाओं के इस्तेमाल से प्रदेश के गांवों की तकदीर बदलने की कोशिश हो रही है। राज्य के गांवों के विकास में नदियों, झरनों, गधेरों के पानी का इस्तेमाल बिजली बनाने में होगा। दरअसल राज्य के नदी, नालों, गधेरों का पानी बेकार न जाए, इसके लिए राज्य की हरीश रावत सरकार ने छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की तैयारी की है, जिसके जरिए ग्रामीणों को न ही केवल बिजली की सुविधा मिलेगी बल्कि उनके लिए रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। असल में प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत के अथक प्रयासों का ही नतीजा है, जिसने राज्य को चहुमुखी विकास की ओर बढ़ाया है, जिसमें अब जल विद्युत परियोजनाओं के शामिल होने से राज्य में विकास को और रफ्तार मिलेगी। इस सरकार की सोच और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और इस विभाग UGBN की ओर से जो पहल की गई, ये बहुत समय जो है कि बहुत जो है अच्छा काम जो है कर रही है। पावर हाउस से हमें जो है बहुत कुछ लाभदायक लाभ होने वाला है। दरअसल राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए सूबे के मुखिया हरीश रावत ने ग्राम पंचायतों को इस योजना में भागीदार बनाया है। इसकी शुरुआत रुद्रप्रयाग जिले से की गई है, जहां लौरा सेमी भैसारी में 1.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना लगाई गई है, जिससे लौरा भैसारी में उजाला तो होगा ही, वहीं गांव के विकास की उम्मीद भी जगी है। इसके लिए UGVN का सहयोग लिया जाएगा। इस परियोजना से गांव के लोगों को लाभान्वित करने की भी कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री जी का एक सपना, एक विजन है कि 2 मेगावाट से छोटी परियोजनाएं जगह जगह लगे। हमारे पूरे प्रदेश में हजारों सैकड़ों छोटे छोटे जल स्रोत हैं, उनका दोहन किया जाए। उसी के क्रम में जो लवारा और भैसारी गांव की जो जल विद्युत परियोजना है, 1.5 मेगावाट की परियोजना है। इससे करीब 90 लाख यूनिट एक साल में पैदा होंगे बिजली के। उसको बेच करके करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपये की आय साल में, उस आय का एक बड़ा हिस्सा गांव सभाओं को मिलेगा। जल विद्युत निगम और गांव सभाएं दोनों इसमें बराबर की भागीदार रहेंगी। जो आय प्राप्त होगी वो गांव वालों की अपनी आय होगी, गांव सभाओं की, उसको वो अपने विकास कार्यक्रमों पर खर्च कर पाएंगे, अन्य दूसरी योजनाओं पर खर्च कर पाएंगे। और जो विद्युत उत्पादित होगी वो स्थानीय क्षेत्र को मिलेगी, और जो बची हुई विद्युत होगी वो ग्रिड में फीड की जाएगी, जो कि जिसको UPCL खरीदेगा और भुगतान करेगा। करीब 18 करोड़ की लागत से बनने वाली गुप्तकाशी जल विद्युत परियोजना से 90 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकेगा, जिससे गांव के लोगों को हर साल 3.5 करोड़ की बिजली मुहैया कराई जा सकेगी। जहां एक ओर इन परियोजनाओं से गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। दरअसल राज्य के मुखिया हरीश रावत चाहते हैं कि दूर दराज के गांवों को भी बिजली मुहैया कराई जाए, जिसके लिए उन्होंने पानी के स्रोतों से बिजली उत्पादन की परियोजनाओं पर जोर दिया है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायतों को विकास की राह से जोड़ने के लिए भी ये परियोजनाएं अहम भूमिका निभाएंगी। यानी बिजली उत्पादन की दिशा में राज्य की हरीश रावत सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। असल में पहाड़ी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए राज्य की हरीश रावत सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांवों में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यानी दुर्गम इलाकों में बसे गांवों को भी अब बिजली मिल सकेगी। ये सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि गांवों में बिजली परियोजनाएं लगाई जा रही हैं, जिनसे गांव तो रोशन होंगे ही, वहीं जो पानी बह जाया करता था उसका इस्तेमाल भी ग्रामीण कर सकेंगे। राज्य सरकार की इन परियोजनाओं की हर कोई तारीफ कर रहा है,